गाइस ये देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे अभी ना कुछ आंटी वगैरह पूजा कर रही हैं सो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। भाई हम लोग को लेके आया है एंड गाइस अभी मम्मी यहाँ पे पूजा करेंगी और फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। एंड गाइस हल्दी वाले दिन ना सुबह के टाइम में ये पूजा की जाती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो हम लोग आए हुए हैं और पिछली बार ना साक्षी की शादी में मम्मी अकेली ही आ गई थी भैया के साथ, लेकिन इस बार हम लोगों ने कहा ना कि हम सब लोग चलेंगे, अच्छा लगेगा, देखते हैं कैसे क्या होता है। और काफ़ी अच्छा लगा और बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसी खुली खुली जगह पे खेतों में आए थे, सब बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा पी लो मेरी माँ, मैं दर्शन करने आई, दुर्गे माँ का पर्दा जाली का डाला, पर्दा हटा लो मेरी माँ, ये मत डालना माँ जी, हाथों में बीड़ा लाई, बीड़ा में लौंगे लाई, थोड़ा सा खा लो मेरी माँ, दर्शन करने आई, मंदिर है दुर्गे माँ का, पर्दा जाली का डाला, पर्दा हटा लो मेरी माँ, रुद्र कहाँ गए, इधर मत आओ, इधर मत आओ, गीला है बहुत, नहीं है। मंदिर है दुर्गे माँ का, पर्दा जाली का डाला, पर्दा हटा लो मेरी माँ, सो गाइस अभी पूजा हो गई है कंप्लीट और अभी हम लोग जाएंगे घर। और जी देखो फोन चलाते रहते हैं। अम्मा जी बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, गाइस ये है इरुका स्कूल और यहाँ पे ना हम लोग इराको छोड़ेंगे, मतलब इराका ना एग्ज़ाम है तो इसीलिए ज़रूरी था, नहीं तो फिर कोई बात नहीं थी। बाय इरा, इरा बाय, बाय इरा, हम भी जाएंगे। क्या कह रहे हो? सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ छत पे मीनाक्षी को रेडी करने और देखिए ये सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब मैंने निकाल के रखा है और अभी बज गए हैं 11 और 1 बजे का पंडित जी ने बोला हुआ है, तो अभी मीनाक्षी को तैयार करूँगी फिर तो उसके बाद हम सब लोग तैयार होंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या सामान यहाँ पर रखा हुआ है। सो गाइस चलिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ये है मीनाक्षी की दुल्हनिया वाली ईयरिंग जो पापा लेकर आए थे और अगेन एक इयरिंग और है। ये ना हल्दी वाली जो ज्वेलरी होती है ना फ्लावर वाली, वो हम लोगों ने पहले से ही ना मंगा के रखी हुई थी। और ये हैं बैंगल्स, अगेन ये हैं बैंगल्स, और ये हरी चूड़ियाँ जो आज पहनी जाएंगी, ये है कंकन जो आज बांधा जाएगा। और दीदी ने कहा ना कि अगर ये वाली ज्वेलरी अच्छी ना लगे तो ये वाली पहन लेना। और ये है साड़ी और ये है इसका ब्लाउज़, ये देखिए। और बताइए आपको सब कुछ कैसा लग रहा है? सो पहले अभी मीनाक्षी गई हुई है नीचे, थोड़ा बहुत सामान कुछ रह गया था वो लेने, तो फिर वो आ जाएगी, फिर मैं उसको तैयार करूँगी और उसके हेयर स्ट्रेट करने हैं और आ गई शायद।
एंड थोड़े थोड़े ना गेस्ट आना भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी मेरी ताई जी की बेटी आ गई हैं और मेरी मामी जी आ गई हैं, भाई आ गया है, एक दादी आ गई हैं और भी थोड़े बहुत मेहमान आ जा जाएंगे। तो सच में यार दादी बहुत एंटरटेनिंग है। सो गाइस अब ना आपको वीडियोस में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप लोग और ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। और पता है क्या, जब मेरी नज़र ना इस वाली पेंटिंग पे जाती है, ये मीनाक्षी ने बनाई है, तो मुझे लगता है कि ये मीनाक्षी है और ये आयुष है। कितने पतले दुबले से मुझे ना हर बार यही लगता है। चलो सो भी मीनाक्षी आ गई हैं, अब ये हम इनको तैयार करेंगे। इन्होंने देखो सुबह से येलो पहन लिया है आज। चला के लड़की क्या करना है, कपड़े चेंज करो पहले। गाइस ये देखो, ये लड़की मुझ पर इतना चिल्लाती है, मैं इसके पीछे पीछे इसकी दासी बन के घूमती रहती हूँ और ये मुझ पर इतना चिल्ला देखो 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 ड्रामे कर रही है। अभी तो बंद कर दो, 5 मिनट बाद फिर मतलब जब ये लड़की गाइस जब ये अच्छी ना लगे तो उसका वीडियो मत बनाओ, और जब ये अच्छी लगे तो उसका कितना भी वीडियो बनाओ। ये सब जरूर है, अब दीदी प्लीज ना, लेट हो रहा है। देखिए सब लोग हो गए हैं तैयार, मीनाक्षी, साक्षी, दीदी, मम्मी, ईरा, सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना। चलो एक बार माता जी के साथ हो जाए। गाइज अभी हम लोग आ गए हैं नीचे और यहाँ पे होनी है मीनाक्षी की हल्दी की रस्में। और जो सबसे पहली रस्म होती है ना, वो दूल्हा दुल्हन को लगाया जाता है काजल हल्दी से पहले। सो यहाँ पे भाभी लगा रही है मीनाक्षी को काजल। और पता है क्या, काजल लगाते टाइम ना काजल थोड़ा सा आँख के नीचे लग गया था। सो भाभी यहाँ पे वही साफ़ कर रही है और वो ना हटके ही नहीं दे रहा था, मतलब निकल ही नहीं रहा था। सो फिर मैंने उसको भीगा टॉवल करके साफ़ किया। एंड गाइस आई नो आप ये वीडियोस बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सो पता है क्या गाइस, वीडियो ना इतने लंबे हो जा रहे हैं कि एक पार्ट में अपलोड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए ना मैं वीडियो को पार्ट में डिवाइड करके अपलोड कर रही हूँ। ये हल्दी सेरेमनी का सेकेंड पार्ट है, कल मैं थर्ड पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। सो बहुत मतलब आपको मज़ा आने वाला है, आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। एंड गाइज मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और कल के वीडियो में ना आपको धमाकेदार बहुत सारा डांस देखने को मिलने वाला है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। सो वेट कीजिएगा उस वीडियो का। और अगर सब्सक्राइब करने के बाद आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो जल्दी से क्लिक कर लीजिए क्योंकि कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।